घर से भारत पाक बॉर्डर पर देश की सुरक्षा के लिए जाते समय सुखविंदर सिंह कहकर गए थे कि वे जल्द ही लौटेंगे, लेकिन आज सुखविंदर सिंह का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ घर पहुंचा। सुखविंदर देश की रक्षा करते हुए अपनी माँ रानी देवी और बड़े भाई गुरपाल सिंह को हमेशा के लिए रोता बिलखता छोड़ गए। युवाओं में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से के साथ साथ शहादत पर गर्व है। शहीद का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ गांव फतेहपुर के शमशान घाट में किया गया। सोमवार को जम्मू के राजौरी में ड्यूटी के दौरान पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी का डटकर जवाब देते हुए भारतीय सेना के दो जांबाज सैनिक शहीद हो गए थे। उनमें से एक जिला होशियारपुर के ब्लॉक तलवार के अंतर्गत पड़ते करीबी गांव फतेहपुर का जवान सुखविंदर सिंह भी शामिल था। पिछले महीने ही सुखविंदर किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए घर आए थे। ड्यूटी पर वापस जाते समय उन्होंने कहा था कि वे जल्द ही घर वापस आएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था क्या वे खुद नहीं बल्कि तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर आएगा। मां रानी देवी और बड़े भाई गुरपाल सिंह के आंसू नहीं थम रहे। पाक की नापाक हरकतों से गांववासियों में खासा आक्रोश है। शहीद के गांव में मातम पसरा हुआ है, तो वहीं पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में बेहद गुस्सा है। दुख लग्या क्योंकि साढ़े इलाके का लड़का शहीद होया, बड़ी दुख वाली गल है। और दूसरा जो भी सरकार सहायता करेगी असं जरूर इन्हों की मदद करेंगे इस परिवार की। शहीद राइफलमैन सुखविंदर सिंह की क्रमेशन के उत्ते आए हैं, जो कि 18 जैकरीफिल नाल बिलोंग करता सी, और परसों रात को लाइन ऑफ कंट्रोल से सुंदरबनी सैक्टर से दुश्मन के एक्शन के उन्होंने शहीदी पाई है। और कुछ दिन पहला ही इस तहसील का मकेरियां तहसील का सिपाही डिंपल जो है वो शहीदी पा गया सी। मकेरियां तहसील नू मान है, सब तो ज़्यादा सैनिक और सब सैनिक देख दे, और साथ ही साथ सारे तो ज़्यादा शहीद भी इस तहसील ने ही पैदा किए हैं। अज असी इत्थे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ADC साहब हुशियारपुर तो SDM मकेरियां मैं खुद और फौज के जिहड़े अथॉरिटीज़ ने स्टेशन हैडक्वार्टर और उन्हां दी यूनिट तो पार्टी आई है, उन्हां दा जिहड़ा अंतिम संस्कार है पूरे सन्मान और रस्मां नाल कीता गया है। वहां पर मौजूद नंबरदार राजेंद्र सिंह ने कहा कि पाक की घिनौनी हरकत ने उनके लाडले को हमेशा के लिए छीन लिया। पाक को सबक सिखाना बेहद जरूरी है, पर सरकारें ना जाने क्यों चुप रहती है। ना जाने कितने जवान ऐसे ही शहादत का जाम पीते रहेंगे। शहीद सुखविंदर सिंह की मां और बड़े भाई समेत पूरे गांव को ये बड़ा झटका लगा है। देश सुखविंदर को हमेशा याद रखेगा। न्यूज डेस्क।